मैं आपको एक समय का किस्सा बताता हूँ। मेरी घोड़ी खो गई थी, इसलिए बहुत परेशान था। 2 महीने बीत चुके थे और अब तो मुझे उम्मीद भी नहीं था कि मुझे मेरी घोड़ी वापस मिलेगी। लेकिन फिर भी एक आखिरी बार मैं जंगल जा पहुंचा उसे ढूंढने के लिए, और यहां मेरी मुलाकात इस फकीर से भी। अचानक से आवाज आई, चांद पाटिल। वो देख मेरी घोड़ी सामने घास चर रही है। मैंने देखा कुछ ही दूर पर मेरी घोड़ी थी। मैं जान गया कि ये कोई आम फकीर नहीं है, कोई बहुत बड़े औलिया है। मैं उनके कदमों में जा गिरा और उन्हें अपने घर आने के लिए मनाने लगा। उन्होंने कहा, चलूंगा चलूंगा तेरे घर पर, पहले चिलम तो पी ले। जमीन पे चिमटा दे मारा, आग पैदा की, उनकी चिलम का एक कश लगाकर मेरा दम्मा ठीक हो गया। उस परवरदिगार ने इस फकीर से मिलवाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। फकीर कुछ दिन मेरे साथ मेरे घर पर रहने के बाद मेरे साले की बारात के साथ शिरडी जा पहुंचे। शिरडी से लौटते वक्त मैंने बहुत मिन्नतें की, बहुत कोशिश की कि फकीर मेरे साथ वापस आए, लेकिन फकीर अब शिरडी के हो चुके थे हमेशा।